बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बबल टी। इसके लिए सबसे पहले हम मैंने जो इसके टैपियोका पर्ल्स हैं वो लिए हैं, इनको मैं बॉईल करूँगी। पानी मैंने सॉस पैन में खुला डाल के रख दिया है, इनको खुले पानी में हमने बॉईल करना है। अब मैं ये 2 कप डालूँगी, ये वाले पर्ल्स हैं जो इसके अंदर जाएंगे बबल टी के। तो मेरे पास ये काफ़ी बड़ा बैग है, इसमें मेरे ख्याल में 1.5 किलो हैं। मैं सिर्फ 2 कप इस्तेमाल करूँगी। हीट में कर दूंगी मीडियम पे। उबलना शुरू करेंगे तो मैं ढांप के इनको 15 मिनट तक पकाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं चूल्हा बंद करके थोड़ी देर और 8-10 मिनट ऊपर पड़ा रहने दूंगी। उसके बाद फिर मैं इनको स्ट्रेन कर लूंगी। एक साइड पे हमारे जो पर्ल्स हैं वो बॉयल हो रहे हैं, और दूसरी साइड पर मैंने ये सिरप बनने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है और 3 कप पानी। इसको बॉईल करके अच्छे से इसका हमने सिरप बना लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा उबल जाए तो हमने चूल्हा बंद कर देना है। टैपियोका के जो पर्ल्स होते हैं वो बिल्कुल फीके होते हैं, उनमें कोई टेस्ट नहीं होता है। तो कुछ सिरप हम उसमें डालेंगे और बाकी का सिरप जो है वो जब हम बबल टी बनाएंगे तो फिर उसमें इस्तेमाल करेंगे। होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पर्ल्स जो हैं वो मीडियम हीट पर उबल रहे हैं। अब मैं इनको ऐसे ही ढाँप के 15 मिनट तक इनको मैं उबलने दूंगी, और उसके बाद चूल्हा बंद करके 10 मिनट तक फिर मैं ऊपर वैसे ही पड़े रहने दूंगी। उसके बाद मैं इनको स्ट्रेन करूंगी। देखें, पर्ल्स जो हैं वो बॉयल हो गए हैं। अब मैंने चूल्हा नीचे बंद कर दिया है, इनको 5-6 मिनट में सिमर होने दूंगी इसी तरह चूल्हे पर पड़े हुए। मैंने इनको 5-6 मिनट के लिए चूल्हे पर रखा है। जब आप इनको ढाँप के पकने के लिए रखते हैं तो ये साइज़ में बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन बाद में ये नॉर्मल हो जाते हैं। मैं इसको छानती हूँ। इनके ऊपर अब हमने चलाना है ठंडा पानी। अब इनको मैं वापस इसी सॉस पैन में डालूंगी और ठंडा पानी डाल के तो इनको थोड़ी देर के लिए रखूंगी, 3-4 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इनको बाउल में निकाल के तो इनमें वो शुगर का जो मैंने सिरप बना के रखा है वो डालूंगी। देखिए, अब मैंने ठंडे पानी में डाल दिए हैं, अब इनको 3-4 मिनट के लिए बस मैं रखूंगी। ये देखिए, हमारे टैपियोका के पर्ल्स जो हैं वो रेडी हैं। मैंने इनको थोड़ी देर ठंडे पानी में डालने के बाद इनको छान लिया था। छानने के बाद मैंने बाउल में डाल के तो 1 कप जो है वो मैंने इसमें जो सिरप बना के रखा था चीनी का वो डाल दिया है। अब ये हमारी बबल टी के लिए रेडी हैं। उसके बाद मैंने ये आम काट के 2 रखे हैं बारीक बारीक करके। ये आप डालना चाहें ताज़ा, जो भी फ्रूट आप डालना चाहें, जो फ्लेवर आप बनाना चाहें वो आप काट लें। ये मेरे पास मैं बाज़ार से लाई हुई हैं, दूसरे फ्लेवर भी मेरे पास पड़े हुए हैं जो रेडीमेड होते हैं। ये कोकोनट है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है। उसके बाद मैंने ये ग्रीन टी बना के रखी है। आप ग्रीन टी फ्लेवर डालना चाह रहे हैं, मैंगो और ग्रीन टी का फ्लेवर मिक्स करना चाह रहे हैं वो कर लें। जैसे आप इसको बनाना चाहते हैं आप उसको बना लें। उसके बाद ये मैंने 1 कप इसमें कंडेंस मिल्क का डाला है और बाकी इसमें सारा दूध है। इसको मैंने मिला के बहुत अच्छे से रख लिया है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत ठंडी होनी चाहिए, हमारे पास अच्छी खासी बर्फ होनी चाहिए। अब इनको बनाना शुरू करते हैं। आपने जो फ्लेवर बनाने हैं, जैसे बनाने हैं, फ्रेश फ्रूट का आपने जो है वो सिरप बना के वो यूज़ करना है, आप वो यूज़ करें। कभी मैं फिर फ्रेश फ्रूट सिरप से भी आपको बना के दिखाऊँगी। आज मैं इन फ्लेवर्स के साथ बना रही हूँ, तो चलें इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मैंगो फ्लेवर बनाने लगी हूँ। ढाई स्पून जो है वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने वो जो सिरप बना के रखा था वो थोड़ा सा गर्म था तो मैंने उसके अंदर आइस डाल दी है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आप चाहें तो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। इसको मिक्स बहुत अच्छे से हमने करना है। इसको विस्क के साथ बहुत अच्छे से विस्क किया है। आप चाहते हैं तो आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं ये दूध डालूंगी। आइस डालेंगे इसके अंदर। आइस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
ऊपर हमारा टपका जाएगा। साथ ही थोड़े से मैंगो के फ्रेश जो है मैं इसमें चंक डाल दूंगी। आप इसका सिरप बना के भी साथ डाल सकती हैं। हमारा मैंगो फ्लेवर रेडी है। अब मैं स्ट्रॉबेरी का बनाती हूँ। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। इसके अंदर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी का सिरप बना के डाल सकते हैं, वैसे स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं। मेरे पास आज नहीं है, होती तो मैं ज़रूर डालती। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये वाला सिरप मिलाऊंगी, इसको मैं ब्लेंड करती हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा सिरप वाला पानी डाल के तो इसको हैंड ब्लेंडर से बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है। इनके अंदर ऑलरेडी शुगर और सारी चीज़ें होती हैं। आप चाहें तो सिर्फ पानी डाल के इसको बना लें, आप चाहें तो सिर्फ इसमें दूध डाल के इसको बना लें। जैसे आप बनाना चाहते हैं, किसी टी का फ्लेवर साथ डालना चाहते हैं वो डाल दें। मैं जैसे बनाती हूँ मैं आपको वैसे बता रही हूँ। मैं इसमें ये थोड़ा सा दूध डालूंगी, मिक्स करके। अब इसमें जाएगी आइस। अब इसमें हम टपियोका डाल देंगे, कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा डाल दिया है। ये हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की बबल टी तैयार है। ये मैंने ग्रीन टी आपको बताई थी, वो तैयार हो गई है। अब मैं ये बना रही हूँ इसका फ्लेवर। जितनी आपने डालनी है डाल दें। अब आप सिर्फ ग्रीन टी रखना चाहते हैं तो वो रखें, दूध अंदर डालना चाहते हैं तो दूध डाल दें। मैं ये थोड़ा सा सिरप डालूँगी इसके अंदर, उसके बाद मैं दूध भी डालूंगी। आइस चाहिए अब इसके अंदर। ये हमारा ग्रीन टी का फ्लेवर रेडी है। अब हम कोकोनट फ्लेवर बनाएंगे। थोड़ा सा ये सिरप डाल के इसको ब्लेंड करूंगी बहुत अच्छे से। वही आप दूध डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा दूध। आइस डालेंगे, आप साथ ग्रीन टी डालना चाहें वो डाल लें, जैसे आप बनाना चाहें बनाएं। हमारा कोकोनट फ्लेवर भी रेडी है। टैपियोका के पल्स का साइज़ चूँकि बड़ा है तो इसमें स्पेशल जो है स्ट्रॉ वो यूज़ होते हैं बड़े साइज़ के। ये आपको किसी भी एशियन स्टोर से मिल जाएंगे, तो मैं चाइनीज़ स्टोर से लेके आई हूँ। बबल टी रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।